अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ लीची के जूस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो लीची जो है इसमें विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमें बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा ये कैंसर से भी महफूज रखती है, और लीची में पोटाशियम की मकदार ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखती है। इसके अलावा लीची में कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं, जो कि बहुत फ़ायदा मंद है। तो चलिए अब हम लीची का जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। लीची का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम लीची को छील लेते हैं, इसका पल्प निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं 3 से 4 गिलास बना रही हूँ। उसी हिसाब से हम 10 से 12 इसके जो दाने हैं वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम छील लेते हैं। पल्प हमने लैदा कर लिया है, अब हम ब्लेंडर में डालेंगे और साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और लेमन जूस डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। लीची का पल्प मैंने डाल दिया, अब मैं 1 टेबलस्पून इसमें पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो डाल लें, अगर नहीं पसंद है तो आप बेशक इसमें स्किप भी कर सकते हैं। 3 चम्मच मैं इसमें चीनी का डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं काला नमक डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक डाल रही हूँ, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, और 1 लेमन हम इसमें स्क्वीज़ करेंगे। 1 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ। इसको ब्लेंड करने के बाद हम इसमें और पानी भी शामिल कर सकते हैं, पहले हम ब्लेंड कर लेते हैं फिर और पानी डाल देंगे। थोड़ी सी आइस डाल रही हूँ मैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। तो हमारा लीची का जूस जो है रेडी हो गया, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही हेल्दी है।